दिल्ली के ओखला लैंडफिल साइट का दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार के साथ दौरा किया और इस दौरान उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कूड़े के पहाड़ का जायजा लिया। बता दें कि बीते नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और ये वादा किया गया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार के साथ ओखला लैंडफिल साइट का बुधवार को दौरा किया है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। था ओखला लैंडफिल साइट मेरे साथ में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की भावी मेयर भी हैं और ऑफिसर्स भी हैं। सबने अभी जो काम चल रहा है उसको भी ब्रीफिंग किया। हालांकि अभी पूरी स्पीड से जहां भी जो भी सरकार के हमारी इंटरवेंशंस होंगी वो 6 तारीख के बाद में जब फॉर्मल चुनाव हो जाएंगे और फॉर्मल मेयर और बाकी सब लोग काम करना शुरू कर देंगे, वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करना शुरू कर देगी, उसके बाद करेंगे। बट उससे पहले भी मैं इसका एक जायज़ा लेने आया था। पहले भी आते रहे हैं लेकिन इस तरह से एक एक चीज़ की डिटेल समझने की किस स्पीड से काम चल रहा है, किस स्पीड तक बढ़ाया जा सकता है, कितना समय लग सकता है, इन सब को लेके तो मैंने सबका मुआयना भी किया है। देखा है कि यहाँ जो MCD ने अभी काम शुरू किया है हाल के महीनों में उसमें और स्पीड अप किए जाने की ज़रूरत है और उसको लगभग इससे दोगुनी स्पीड पर अगर कर देंगे तो यहाँ ये खाली होने लगेगा और यहाँ पे आने वाला, गाजीपुर में जाने वाला और बलसवा में जाने वाला जो मोहल्लों से उठ के वेस्ट जा रहा है उसको भी रोकने की जरूरत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज मेयर, जो मेयर के प्रत्याशी शैली ओब्रॉय और डिप्टी मेयर के साथ ओखला लैंडफिल साइट पर यहां का ब्यौरा करने पहुंचे हैं, क्योंकि जिन पर यहां पर चुनाव लड़ा गया था कूड़े के पहाड़, आज उन्हीं कूड़े के पहाड़ का ब्यौरा करने के लिए यहां के जो मनीष सिसोदिया जी हैं उप मुख्यमंत्री मेयर और डिप्टी मेयर के साथ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि वो ऊपर पहुंचे हुए हैं लैंडफिल साइट पर और साथ ही साथ मेयर, डिप्टी मेयर, साथ ही साथ जो MCD के अधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं इन कूड़ों के पहाड़ के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे इन कूड़े के पहाड़ों को कम किया जा सकता है। जिस मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जिस मुद्दे पर निगम में चुनाव लड़ा था उसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेयर, डिप्टी मेयर के साथ यहां लैंडफिल साइट पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस लैंडफिल साइट पर कई मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक मशीन लगी हुई है जिसमें एक तरफ, सामने की तरफ मैं दिखाना चाहूंगी, एक तरफ खाद निकल रही है, पीछे तरफ कूड़ा निकल रहा है और एक तरफ वो चीजें निकल रही हैं जिसको पावर प्लांट के लिए यूज किया जा सकता है। वहीं आप मेरे दूसरी तरफ देख सकते हैं कि एक तरफ पावर प्लांट है, जो ये वेस्ट निकल रहा है उसको पावर प्लांट में भेजकर, जो बिजली दिल्ली में बिजली उत्पन्न करता है उस प्लांट में भेजकर इसको यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के हित के लिए काम कर रही है और इस तरीके का जो काम है वो लगातार यहाँ पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ मेयर और डिप्टी मेयर, जो कि आने वाले 6 तारीख को फैसला होगा कि किसे चुनकर लाते हैं पार्षद, आम आदमी पार्टी या BJP का। फिलहाल आम आदमी पार्टी अपने जोरों शोरों से तैयारियों पर उतरी हुई है और लगातार दिल्ली को साफ और स्वच्छ करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली जनता TV के लिए कैमरामैन योगेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट।